नारायण नारायण, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें। नारायण नारायण, नारायण नारायण का उद्घोष जहां, राम राम मधुर धुन वहां। वर्तमान परिस्थितियों ने मध्यम वर्ग के लोगों पर सबसे ज्यादा असर डाला है। बहुतों की तो नौकरियां चली गई है। ऐसे सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण न तो वह राशन की लाइन में लग सकते हैं, न ही इनकम का कुछ साधन बचा है। इस अन्य व्यवस्था में वह क्या करे। ओके, नारायण 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 नारायण, आपका ये कहना है कि वर्तमान स्थिति में जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, उसमें जो मध्यम वर्गीय परिवार है उन पर सबसे अधिक असर पड़ा है, क्योंकि कईयों की नौकरी चली गई है, है ना, और सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से वो राशन की लाइन में भी खड़े नहीं हो सकते, और दूसरा कोई माध्यम इनकम का साधन नहीं है। ऐसे में वो क्या करें, है ना। यस, आपके आपकी बात से हम सहमत हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार पर इस लॉकडाउन का असर पड़ा है, और ये भी सच है कि कईयों की नौकरी गई है, है ना। पर यदि हम देखें शशि जी, तो जीवन कभी भी सीधे नहीं चलता है, आसानी से सरलता से नहीं चलता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं, और इसी का नाम जीवन है। जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, है ना, ये विपरीत परिस्थितियां हो गई ना, जब हमें इसका सामना करना होता है, पड़ता है, तो दो चीजें हमारे सामने होती है, या तो हम चिंतन करें या चिंता करें, है ना। परिस्थिति सामने है और हमें पता चल रहा है विपरीत परिस्थिति है। एक आपके पास ऑप्शन है कि चिंतन करें कि ये परिस्थिति है, अब इसमें से बाहर कैसे निकलें, राइट। दूसरा है चिंता करना या निरंतर उसी बात की चर्चा करते रहना, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, निरंतर जो मिल रहा है उसी वही चर्चा कर रहे हैं। परिस्थितियां जब सामने आती है, आप चिंतन करते हैं, तो उस उन परिस्थितियों से आप सबक लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आप चिंता करते हैं, वहीं की वहीं रह जाते हैं, बल्कि और नीचे जाते जाते हैं। पॉइंट वन। सेकेंड बात, आपने कहा कि मान प्रतिष्ठा की वजह से लोग राशन की लाइन में भी खड़े नहीं हो सकते, राइट, है ना। अब देखिए, प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान, राइट। अगर हम लोग साधारण भाषा में कहें तो प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान। यदि आपका मान सम्मान उस नौकरी के साथ था, जिस प्रतिष्ठा की आप बात कर रहे हैं, वो प्रतिष्ठा यदि आपकी नौकरी के साथ थी, तो नौकरी गई तो प्रतिष्ठा भी गई, है ना। फिर आप किस बात का सोचना, हम राशन की लाइन में खड़े हो सकते हैं, पहली बात। सेकंड थिंग, यदि वो मान सम्मान आपकी खुद की गुडविल थी, नौकरी के साथ जुड़ी भी नहीं थी, आपका खुद की गुडविल थी, तो वो तो अभी भी आपके साथ है ना, वो अभी भी आपके साथ है। और इस वक्त की रिक्वायरमेंट है, जब अपने पास जॉब नहीं है, दूसरी व्यवस्था नहीं है, तो राशन की लाइन में खड़े होना ये जरूरत है, इच्छा नहीं है, ये जरूरत का काम है, हमें खड़ा होना है, है ना। ये सोच के भी खड़े होइए, हम ये सोच के खड़े नहीं होते हैं कि लोग क्या कहेंगे, राइट। खड़े होने में हमें शर्म आती है, हमें संकोच होता है। ये भी तो हो सकता है कि आपको लाइन में खड़े देख और लोगों की भी हिम्मत खड़ी हो, जिनके साथ ऐसी परिस्थितियां चल रही है, वो भी कि जब वो लाइन में खड़े हो सकते तो उन्हें भी खड़ा होना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यदि ये आपको लगता है कि भाई समाज क्या कहेगा,
समाज ही कहेगा ना कि पहले तो कंपनी की कारें थी, फोन पर राशन आता था, अब राशन की लाइन में खड़े होना पड़ रहा है। तो आप इसे ताना क्यों मानते हो? सच तो कह रहा है, क्या गलत कहा उसने बताइए मुझे, है ना। और ऐसे कहने वाले मात्र गिनती के दो चार जन होंगे, और वो आपको आकर नहीं बोलने वाले, आपको आकर बोलने वाले हैं क्या बताइए मुझे? पीठ पीछे बात करेंगे ना, पीठ पीछे बातें होंगी। तो पीठ पीछे तो माँ सीता को भी नहीं छोड़ा इस दुनिया ने, तो हम तो क्या चीज है, क्या स्टैंड रखते हैं बताइए मुझे, है ना। और पहली बात, यदि इस वक्त हमें जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, हमें हमारे जो नियर डियर हैं, है ना, उनसे बात करनी चाहिए, मांगना चाहिए, कोई गलत नहीं है इसमें। कि कई बार कई लोग मदद करना चाहते हैं पर वो इस संकोच से रुक जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके अहम को ठेस पहुंचे। जब तक आप बताएंगे नहीं सामने वाले को, मालूम कैसे पड़ेगा। हाँ, अधिक से अधिक हो सकता है कि वो मना कर देवे, क्या हो सकता है कि मना कर देंगे, दैट्स ऑल। देखिए, ये विश्वास रखें प्रबल कि भगवान यदि एक दरवाजा बंद करता है तो उस दरवाजे को बंद करने के पहले दूसरी व्यवस्था करता है, व्यवस्था करता है आपके लिए। अगर आपने मेन गेट बंद किया है, हवा तेज आए तो खिड़की तो आप खोल ही देंगे, खिड़की खुली होने वाली है तो रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम है। आप जब सर्विस कर रहे थे, ऊंची पोस्ट पे थे, आई एग्री, अब कंपनी अफोर्ड नहीं कर रही है, वहां से निकलना पड़ा, काफी छोटी नौकरी मिल रही है आपको, स्वीकार है ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो हमारे हाथ में है, है ना। अभी मैंने पिछले दिनों ही एक मराठी आर्टिस्ट यानी अभिनेत्री का वीडियो, मैं यूट्यूब पर कुछ खोज रही थी तो मैंने एक मराठी फिल्म अभिनेत्री का वीडियो देखा। आप देखिए फिल्म स्टार कितने चका चौंध की जिंदगी जीते हैं, हम सबको पता है। वो महिला अभी लॉकडाउन में काम नहीं मिल रहा है, शूटिंग नहीं हो रही है, आप मानेंगे स्टॉल, एक छोटा सा स्टॉल खड़ा कर रखा, वड़ा पावर पूरी भाजी का, हस्बैंड वाइफ ने मिलकर कि आज हमें इसकी जरूरत है पैसों की, तो इसके माध्यम से धन आ रहे हैं, और कल जब लॉकडाउन निकल जाएगा वापस में उस चकाचौंध में चले जाएंगे। तो यदि संकोच करके वो बैठते कि मैं तो इतनी फिल्म स्टार हूँ, ये सब काम कैसे करूंगी, तो घर में खाएंगे क्या, क्या खाएंगे। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, बल्कि यदि हम इनिशिएटिव लेते हैं छोटे काम को, जो जैसे हम छोटा काम कहते हैं करने का, आज सोचिए वो अभिनेत्री वो काम करी तो कईयों को एग्जाम्पल मिला होगा ना कि वो स्टार बनी हुई थी, आज चकाचौंध के जीवन में से स्टॉल लेके खड़ी है, तो हम लोग भी तो ये काम कर सकते हैं, कमा सकते हैं। पीठ पीछे तो लोग सीधी सी बात है किसी को नहीं छोड़ते, यदि बोलने वाले लोग हैं तो। और अभी तो सब जगह एनआरएसपी का बोलबाला है, सब जगह, और एनआरएसपी के प्रति ये प्रबल विश्वास कि वो कभी भी निंदा या चर्चा नहीं करते हैं, और ना तो खुद करते हैं ना किसी को करने देते हैं। और हम तो ये करबद्ध प्रार्थना ये भी करेंगे सबसे, जितने लोग भी जुड़ेंगे उनसे, कि यदि आपको पता चलता है कि किसी की नौकरी गई है, किसी के असुविधा है, आपके पास व्यवस्था है, जाइए उनसे बात कीजिए, उनकी मदद कीजिए, ताकि उनका ये समय निकल जाए। पर साथ ही साथ ये रिक्वेस्ट भी कि आप जब मदद कर रहे हैं तो आपकी मदद का ये हिसाबधारा होना चाहिए कि आप राइट हैंड से दे रहे हैं तो लेफ्ट हैंड को पता ना चाहिए। आपको गीत नहीं गाना है, देने चुपचाप देकर आइए। और जो रिसीवर है, जो ले रहे हैं, पता है बेहद मजबूरी में ले रहे हैं, तो ऐसे में हमारे भीतर प्रबल भाव विश्वास रखें कि नियमित प्रार्थना करना है, ये दिन भी निकल जाएगा। जब वो दिन निकल गए, अच्छे खासे दिन चले गए, ये दिन भी थोड़ा समय है,
निकलता नजर आएगा और लिखते रहे किन से हमने क्या क्या लिया है, ताकि जब हमारा समय सही तो हम उसे प्रचुरता के साथ मैं इंटरेस्ट चुका सके। उनसे अधिक कमिटमेंट मत कीजिए, अभी मत कीजिए, पर भीतर अपने दिल और दिमाग में जचा के रखें कि जब मेरे पास व्यवस्था होगी मैं उनका विद इंटरेस्ट लौटा दूंगी। पर जब तक व्यवस्था होती है आपके पास, तब तक प्रार्थनाओं के माध्यम से हम उनका आभार चुका जो उन्होंने दिया है वो चुकत कर सकते हैं। आप रोज उनके लिए माला कर सकते हैं कि उनका जीवन सुख शांति से हर समृद्धि से लगातार लगातार भरा पूरा रहे, भरा पूरा रहे, भरा पूरा रहे। नारायण नारायण नारायण। यस अशीष जी, हाँ इस बाबत कुछ कहना चाहते हैं? हाँ शशि दी, हाँ अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ जी, हाँ जी दीदी, आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत अच्छे तरह से लोग इस बात को समझ जाएंगे कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। बहुत अच्छा लगा दीदी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। क्या मैं सरिता जी से कहूँ, दूसरा प्रश्न पूछे आप? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरिता जी आइए, सरिता जी बरासिया आइए प्लीज। संध्या जी, सरिता जी हैं? हाँ जी आ गए, सरिता जी आ गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ सरिता जी अपने आप को अनम्यूट कर लें, आप म्यूट पर हैं। सरिता जी खुद को अनम्यूट करेंगे, यहां से आपको अनम्यूट कर दिया गया है। शशि दी वो अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो क्वेश्चन पूछ लें उनसे। हाँ दीदी, कई बार दीदी, हाँ जी, कई बार डॉक्टर्स को मरीजों के अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? हाँ, एक बार, हाँ हाँ दीदी, सरिता जी आप हैं? हाँ मैं हूँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आप बोलिए। हाँ ठीक है। नारायण नारायण दीदी। नारायण नारायण। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है हम सब नारायण भवन में विराजित हैं। आपके चुंबकीय दर्शन मिलने का सौभाग्य हमारे भीतर अद्भुत तरंगों का निर्माण कर रहा है दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए प्रश्न आपको बता रही हूँ। धन्यवाद दीदी। दीदी, कई बार सेवाधारी डॉक्टर्स को परेशान मरीजों के अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है, तो दीदी ऐसी सिचुएशन में क्या करें और क्या समझें? नारायण नारायण नारायण। मैंने इसका उत्तर एक डॉक्टर से ही पूछा। ओके। मेरे खुद के घर में चार चार डॉक्टर हैं और इस प्रश्न का उत्तर हमने डॉक्टर से ही पूछा। यस। उनका ये कहना था कि 100 में से एक या दो ऐसे होते हैं जो जैसे आपने कहा कि अभद्र व्यवहार करते हैं, वो थोड़ा वो हट के लाइन के होते हैं, उनकी मानसिक अवस्था अलग होती है ना। रिमेनिंग, उनका ये कहना था कि यदि डॉक्टर अपने मरीज के साथ अच्छा व्यवहार करे, उसकी पूरी बात सुने, सही डायग्नोस करे, उसे सही राय दे, उसे सही टाइम दे, तो पेशेंट ऐसा व्यवहार नहीं करता है। हाँ, एक केस में ये हो सकता है कि उस पेशेंट का, मरीज का, पिछले डॉक्टर को जिसने उसको पहले ही दिखाया था, उसके साथ उसका एक्सपीरियंस अच्छा न रहा हो, वो क्रोध उसके दिमाग में हो,
और जब नए डॉक्टर को उसने दिखाया तो पिछला जो जमा था वो इस पर उतार दिया। ऐसी संभावना रहती है, बाकी 1-2% लोग ही रहते हैं जो गलत व्यवहार करते हैं। और बाकी आजकल तो बहुत सिक्योरिटी की व्यवस्था डॉक्टर्स की हो गई है, क्योंकि पीछे कुछ केसेस हुए थे उस हिसाब से। तो डॉक्टर यदि सही व्यवहार करते हैं, रखते हैं, समुचित समय देते हैं पेशेंट्स को, तो ऐसी चीजें नहीं होती। कुछ लोग परेशान रहते हैं और उनके ना चाहते हुए भी वो लोग अभद्र बोल देते हैं। हाँ, और क्योंकि तो हमें उनकी मानसिक अवस्था समझनी होती है कि एक तो पेशेंट है अस्वस्थ है, और ऐसा जनरली जो गरीब तबके के लोग हैं वो कर देते हैं, क्योंकि वो हर तरह से हाँ विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू।